हाँ भाई, क्या चल रहा? कुछ नहीं, धोखेबाजी भाई। गॉड, धोखा दे दिया धोखा। पहले तो मेरे को कल अनाउंस कर दिया था कि आज अनाउंसमेंट होगी, हैं? तो सब खुश हो गए कि पोस्टर आ गया है, अब आज गाना आएगा। मैंने तुम्हें बोल भी दिया कि गाना आएगा, और फिर मैं खुशी खुशी चला गया। खुशी खुशी गया मैं, सोया चैन से मस्ती से। फिर मैं उठा, मैं इंटरनेट पे गया सुबह सुबह कि गाना आया होगा, गाना नहीं आया। फिर मैं प्रॉपर उठा, मैं फिर इंटरनेट पे गया, मैं कहा गाना आया होगा, गाना फिर नहीं आया। फिर मैं नहा धो के आया, मैं फिर से वेट करने लग गया, मैं कहा गाना आया होगा, गाना नहीं आया। मेरी हालत डोनाल्ड टक वाली कर दी सालों ने, सॉरी मुनावर ने, और मुनावर भी लाइक तू करता रहे वेट, मैं चला सोने। भाई कुछ नहीं आया, 7 बजे आया एक और पोस्टर जहाँ पे गाने का नाम अनाउंस किया इन लोगों ने। अब गाना आएगा 10 तारीख को। अब ये 4 दिन क्या करूंगा मैं? 6 तारीख है ना आज, पता नहीं। हाँ 6 तारीख ही तो है, 6 तारीख है कि 5 तारीख है आज, मुझे तो ये भी याद नहीं है। अरे भाई धोखा ले मुनव्वर भी लाइक, धोखा स्वभाव है मेरा। इसके बाद कुछ आता उससे रिलेटेड तो मैं वो बता देता तुमको, बट कुछ आया ही नहीं। भाई बाइक पे गेड़िया मार रहे हैं और गाना बजा रखा है नाग पाएगा राइडर, बट वो मैं ही बजा सकता क्योंकि वो नाग म्यूजिक कॉपीराइट मारेगा। फिर मुनव्वर से रिलेटेड क्या आया? हीना खाना ही सपोर्ट में, हीना खाना ही मेरे सपोर्ट में, क्योंकि किसी इंटरव्यू में उसने मुनव्वर से रिलेटेड बात की कि वो अभी अच्छे टर्म पे दोस्त हैं, बात होती रहती है। किसी ने पूछा है कि मुनव्वर के साथ रीयूनियन या कुछ प्रोजेक्ट आ सकता है? मुनव्वर के साथ रीयूनियन का तो आई डोंट नो, बट वी आर इन टच, लाइक हम बात करते हैं ऑफन और अच्छी खासी बात होती है हमारी। इनफैक्ट अभी रिसेंटली हमने एक विश भी किया था एक दूसरे को। वी आर इन टच, इट्स जस्ट दैट हम ज्यादा पोस्ट वोस्ट नहीं करते हैं, कुछ ये नहीं करते हैं। एंड एनीवे आई हैव बीन आउट ऑफ बॉम्बे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट आई डोंट थिंक प्रोजेक्ट का ऐसा कुछ है, बट वी आर इन टच। और यहाँ पे हो गया मुनव्वर खत्म, मतलब मुनव्वर की न्यूज खत्म। पता नहीं क्या करता है भाई ये। भाई गेड़िया मार रहे हो तो बताओ कहाँ मार रहे हो, ताकि मैं बाकी को बता सकूँ कहाँ मार रहे हो गेड़िया। अपडेट देनी होती है यार, डेली अपडेट चाहिए मेरे को। तू डेली व्लॉग तो डाल रहा, व्लॉग कहाँ है भाई? इस तरह से टाइम से व्लॉग कर रहा है, आएगी कब वो भी नहीं पता। इसके अलावा नकली कुमार और चिंटू की मेरे को वीडियो क्लिप मिली, जहाँ पे एक पॉइंट पे नकली कुमार ने बोला था कि बेटा जिस दिन तेरे साथ होगा ना तू मुझे याद करेगा, और एक्चुअली वही हुआ। तुम्हें पता है चिंटू मतलब चिंटू और चलाक लोमड़ी का हो गया ब्रेकअप, तो अभी चिंटू ने एग्जैक्टली वही किया, नकली कुमार को याद। तू रोएगा ना कल तेरे को पता चलेगा, छोड़ भी जाएगी ना बाहर बिग बॉस से निकलते ही कि तू कौन है बेटे, तब तेरे को मैं याद आऊंगा, तब तू मेरे को फोन करेगा, तू मेरे को फोन करेगा। अभिषेक सही बोलता है, मैंने रात में ऐसी फ्रस्ट्रेटेड था, तो मैंने अभिषेक को मैसेज किया, मैंने भाई तेरे को पता भी नहीं चला तेरे साथ क्या हो रहा था, ऐसे करके मैंने कुछ भी लिख दिया उसको। तो उधर से मैंने भाई ठीक है ना, तो क्या होगा तेरे को फोन करा मेरे को, तो उसका फोन है, तो मैंने नहीं भाई ऐसे, मैंने तो ऐसे लिख दिया, मेरा मन हो रहा था तेरे को लिखने का, तो मैंने लिख दिया 2-3 1-2-4 लाइनें लिखी मैंने। लॉर्ड भी खुद डाला है, सुपरस्टार भी खुद डाला है, नाम बस पुनीत ही है। भाई जिंदगी में अगर तुम्हारा नाम पुनीत हो ना, तो पुनीत इस तरह बनना, सार जो भी है वो, लॉर्ड बनने की जरूरत नहीं है। बट यार क्या है ये बंदे, मतलब चाहे वो जोगिंदर हो, ये पुनीत हो, चाहे शर्लिन चोपड़ा हो या राखी सावंत, इन सब का क्रिंज मारने में क्या मजा आता है। अभी वो कोई पॉडकास्ट में गया था, पैसे लेके जाता, वो वहाँ पे वो सलमान खान के लिए लॉरेंस बिश्नोई के सामने हाथ जोड़ रहा है कि वो बहुत अच्छा काम करते। अरे मालूम है मेरे को सलमान भाई के साथ ये मतलब ये सीन हुआ था ना, जो अभी उन्होंने मेरे जो ईडन वगैरह चल रहा था, जो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से या जो भी थे, जो उनके अंदर भी फायरिंग हुई थी, मतलब मेरे को ना एक एकदम से होना चाह गया कि यार उनको कौन ऐसे मतलब करना चाहता है। आपसे हाथ जोड़ के मैं इस पॉडकास्ट के द्वारा भी आपसे हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं यार कि सलमान भाई ने जो भी कराया यार, पता नहीं यार वो कराया नहीं कराया, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं यार कि उनको यार कुछ मत होने देना। मैं लॉरेंस बिश्नोई मतलब लॉरेंस बिश्नोई भाई से और बिश्नोई परिवार से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि यार उनके द्वारा मुंबई की रोडों पर करोड़ों भूखे बच्चे हैं जो खाना खाते हैं, जिनकी वजह से पेट भरते हैं, उनकी बींग वुमेन जो एक संस्था चल रही है जिसमें करोड़ों लोग हर महीने करोड़ों बच्चों को खाना खिलाते हैं, कितने आश्रम चल रहे हैं उनके पैसों से, कितनी
संस्थाएं चल रही है मुंबई के अंदर, कितने अनाथ आश्रम चल रहे हैं अभी मेरे मुंबई के अंदर, एक अनाथ आश्रम है जिसमें मेरे ख्याल से ब्लाइंड बच्चे काफी ज्यादा, तो वो भी उनके पहले चल रहा है, तो हाथ जोड़कर पेस्ट है, सलमान भाई से कोई भी ऐसी गलती हुई है तो मैं माफी मांगता हूँ, मुझे कुछ कर लो, अगर उनकी जान लेने के लिए मेरी जान का दे सकते हो मेरी जान ले लो, लेकिन उनको कुछ मत करो, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं। सलमान खान टारगेट है लॉरेंस बिश्नोई का, जिसने सिद्धू मूसेवाले के साथ करा कांड, रिक्वेस्ट कर रहे लॉर्ड, वो सुनेगा भी नहीं, वो बिजी है टारगेट करने में। और मुझे लगता है ना लॉरेंस बिश्नोई बस डरा रहा है उसको कि तू माफी मांग ले और कुछ नहीं, वरना उसको मारना होगा तो बहुत इजीली मार सकता है भाई, इतना दिमाग तो मैं पेल चुका हूँ यार कि कैसे अटैक करना है। मैं ये नहीं बोला कि मैं शेयर करने वाला हूँ, बट पॉइंट इज बहुत ईजी है टारगेट करना, अगर मारना ही होता तो, या फिर पढ़ाई तो करी है लड़के ने, तो फिर दिमाग तो है बंदे में, और वो तो कनाडा बैठ के भी प्लानिंग करता है, क्या बोल रहा हूँ मैं साले, गालियाँ पड़ेंगे कमेंट में। हाँ, इसके अलावा अब बस आगे बढ़ेंगे न्यूज़ में, क्योंकि अब बात करेंगे हम करण जौहर की। करण जौहर हो गए नाराज मुझसे नहीं बे, तो बेसिकली एक शो आता है मैडनेस मचाएंगे, अरे वही वाला जिसमें मुनव्वर गया था पहले एपिसोड में, तो उसमें एक बंदा है केतन करके, तो केतन अगर याद होगा तो कपिल शर्मा शो में आता है, वो करण जौहर की मिमिक्री करता है, और बहुत कर गया उसने पास्ट में भी, तब तो इसको बुरा नहीं लगा, बट अभी उनका कोई प्रोमो आया है जिसमें केतन वापस करण जौहर बनाए, तो उसमें उसने कुछ कर दिया, मैंने अभी तक प्रोमो देखा नहीं, अगर मिल जाएगा तो मैं बजा दूंगा तुम्हारे लिए, बट वो उसने देख लिया तो उस पर वो नाराज हो गया करण जौहर, उसने स्टोरी डाल दी इंस्टाग्राम पे कि मैं और मेरी माता श्री बैठ के टीवी शो देख रहे थे सोनी पे, और एक कॉमेडियन मेरी नकल उतार रहा था बहुत ही घटिया टेस्ट में, ये सब मैं उम्मीद रखता हूँ नेमलेस फेसलेस लोगों से, बट जब अपनी ही इंडस्ट्री के लोग मेरे साथ ऐसा करे तो कैसे चलेगा, जबकि मैं 25 साल से इंडस्ट्री में, तो तेरी में बिक्री करने के वॉइस मॉड्यूलेशन ही तो मैच करनी है थोड़ी सी, मैं कर लूंगा, और तेरा मैनरिज्म कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं है, अब पुअर टेस्ट है या नहीं है वो तो फिर क्या ही बोल सकता हूँ मैं, वो तो सबका टेस्ट अलग है, अभी मेरे ऊपर कोई जोक मारेगा तो शायद मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगे, बट बाकियों को फनी लग सकता है ना, तो वो तो समझने वाली बात होगी, और अगर नेशनल टेलीविजन पर आ रहा है वो शो तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना पुअर टेस्ट में जा सकता है, मतलब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे होता तो फिर एक पल के लिए मैं मान भी लेता कि हाँ कुछ तो गया है, तो मैं मालूम भी है टीवी में कितनी रिस्ट्रिक्शन होती है, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के बाद तुम और रिस्ट्रिक्शन डालना चाह रहे हो, जबकि तुम्हारे खुद के शो में तुम लोगों की प्राइवेट लाइफ में घुसे रहते हो, आपके बेडरूम में क्या क्या है, आपकी पर्सनल लाइफ में आप डेट किसको कर रहे हैं, आपका फेवरेट वो क्या है, वो गुड टेस्ट है, खुद ढरक फैलाए तो ठीक है, खुद पे आए तो गलत है, ये क्या बात हुई, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब ये बंदा इतना सीनियर है ना कि उन लोगों की भी फट गई, परितोष आ गया, परितोष कह रहा है भाई हमारा वो इंटेंशन नहीं, हम लोगों को हंसाना चाह रहे हैं, अरे केतन तो सॉरी बोलने लग गया कि हमारा वो इंटेंशन ही नहीं था, हम किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाह रहे थे, मैं कहा छोड़ना बे, इतनी इज्जत मत दे, वो कौन सा फिल्मों में लेने वाला है तुम्हें, बात तो सही है अगर ये आवाज़ सुनाई दे रही है ना तुम्हें तो पता नहीं रात में किसकी जी में कीड़ा गया है कि कंस्ट्रक्शन चलाने का काम शुरू कर दिया लोगों ने, अभी तक नहीं हो रहा था एकदम अभी अभी शुरू हुआ है। हाँ, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट खबर, आज के दिन दिमाग फट जाएगा तुम्हारा ये खबर जान के कि अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर का ब्रेकअप हो गया है, यही जानने के लिए तो बैठे हो तुम लोग, क्यों बने हो तुम लोग जर्नलिस्ट, क्या अभी बंदों का दिल टूटा है थोड़ा टाइम, तो चिंटू का दिल टूटा तो हम बात कर लेते हैं, अनन्या पांडे के साथ हमें क्या लेना, उसका इकलौता टैलेंट जो मुझे मालूम है वो अपनी जीभ से अपनी नाक छू सकती है, आदित्य रॉय कपूर पर चढ़ गई वही बहुत बड़ी बात थी, और भाई अनन्या पांडे को शरीफ नहीं है, जितनी मैंने खबरें सुनी है उसकी इंडस्ट्री में आने से पहले क्या क्या किया उसने लॉन्डो के साथ, वो जब अभी उसका ब्रेकअप हो गया तो पेपराजी बोली अरे कटिया 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 अभी चला अगल उमड़ी की तरह आ जाइए भी कि ऐसे 10 पाल लूँ मैं, और सॉरी आदित्य रॉय कपूर है ना वो, उसके लिए नहीं बोल सकती माल, एक मीम दिखाऊं, चलो देखो लड़की लड़के से मैं माँ बनने वाली हूँ, अरे पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुम्हारे पापा ने प्रपोज किया है मैं तुम्हारी माँ बनने वाली हूँ, हंसी आई, थूको मेरे ऊपर, थू थू करो मेरे पे, मेरे पास आज कुछ भी टॉपिक नहीं है बोलने के लिए, अभी फेसबुक पे गया मैं, मेरे को मिला ये कलयुग है जनाब, यहाँ कसम खाने वाले नहीं दारू पीने वाले सच बोलता है, आओ मेरी सच्चाई सुनाता हूँ, आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, चलो मैं चला 8 मिनट तो आज मुश्किल है, बट हो गए तो प्राउड ऑफ मी, सही बात है, चलो लाइक कर देना, पीस आउट।